रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट इज सेंट बैक. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यदि कोई लाइट जो है वह हमारा इंसिडेंट कर रहा है किसी सरफेस पर, दिस इज द इंसिडेंट रे. कोई भी लाइट जब किसी सरफेस पर जाकर पड़ती है तो उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे. तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है. जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन में कुछ एंगल से मुड़ करके रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेज रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेसेज. यदि ये जो हमारा सरफेस है, यह सरफेस यदि हमारा पॉलिश्ड है यानी मिरर है, तो वो मोस्टली लाइट को आपको रिफ्लेक्ट कर देगी. लेकिन यदि अनपॉलिश्ड है, डल सरफेस है, तो वो आपका मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है. तो बेस्ट रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि हमारा सरफेस जो है वह पॉलिश्ड हो या मिरर हो. सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर्स हमारा है सिल्वर मेटल. सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर्स है लाइट का. बट द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज इजिली स्क्रैच्ड एंड सून बिकम रफ. लेकिन जो सरफेस होता है सिल्वर मेटल का वो बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है और वो रफ हो जाता है, खराब हो जाता है. इसलिए ए प्लेन मिरर इज अ थिन फ्लैट एंड अ स्मूथ शीट ऑफ ग्लास. इसलिए जो प्लेन मिरर जो बनता है वो क्या होता है, पतला सा फ्लैट स्मूथ शीट होता है ग्लास का. हैविंग अ शाइनिंग कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड एंड द सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाई अ रेड पेंट. ये जो प्लेन मिरर बनाया जाता है वो कैसे बनता है, एक ग्लास लिया जाता है और ये ग्लास जो होता है वह आपका थिन पतला सा फ्लैट और स्मूथ होगा, ठीक है. इसके पीछे एक पतला सा सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, सिल्वर का कोटिंग परत चढ़ाया जाता है और वो सिल्वर के कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लाल कलर का, ठीक है ना, एक रेड कलर का पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि कि वो हमारा सिल्वर कोटिंग हटे नहीं. तो अपोजिट साइड जो है वह हमारा शाइनी साइड होता है जो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है और रिफ्लेक्टेड होता है. दीज डेज मिरर्स आर बीइंग मेड इंक्रीजिंगली बाय डिपॉजिटिंग ए थिन कोटिंग ऑफ अल्मुनियम मेटल एट द बैक ऑफ ए ग्लास शीट इनसाइड ऑफ सिल्वर कोटिंग. दिस इज बिकॉज अल्मुनियम इज मच चीपर देन सिल्वर एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट वेरी वेल. और आजकल जो भी मार्केट में जो आपका मिरर मिलता है उसमें आपका सिल्वर कोटिंग नहीं होता है, क्योंकि सिल्वर जो कोटिंग होगा वो बहुत महंगा होता है. सिल्वर सिल्वर की तुलना में आपका अल्मुनियम जो है वह बहुत सस्ता है. अल्मुनियम हमारा बहुत सस्ता है, इसलिए अल्मुनियम कोटिंग का यूज किया जाता है और इसकी भी रिफ्लेक्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है. ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स. ए रे ऑफ लाइट जो होता है वो जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये इसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जिसमें कि लाइट आपकी ट्रेवल्स कर रही है. द एरो हेड पुट ऑन द स्ट्रेट लाइन टेल्स अस द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग. कोई भी हम जो रे ऑफ लाइट अगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक एरो लाइन देते हैं. ये एरो जो है ये डायरेक्शन डिफाइन करता है रे ऑफ लाइट का. एंड अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. ये बीम ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ लाइट रेज. जैसे कि जो टॉर्च लाइट इमिट करता है ना वह होता है आपका बीम ऑफ लाइट. ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है लाइट का डायरेक्शन और ये रिफ्लेक्ट होकर के ये दिखाया जा रहा है लाइट का डायरेक्शन.
In order to understand the laws of reflection of light, we should first know the meaning of the terms. हमें law of reflection of light पढ़ने के पहले कुछ terms है उसकी meaning समझ लेना है. First incident ray, second point of incidence, third reflected ray, fourth normal, fifth angle of incidence and sixth angle of reflection. इसे तो हम लोग इस पिक्चर के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं. इंसिडेंट रे, दिस रे इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे. जो रे हमारा इस मिरर पर पड़ रही है वो क्या है? इंसिडेंट रे. और पड़ने के बाद, मिरर पर गिरने के बाद जो रे आपको रिफ्लेक्ट होकर के बाहर की तरफ फिर निकल रही है, जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में कुछ एंगल से बेंड होकर के, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. और एक होता है हमारा नॉर्मल लाइन. नॉर्मल ये जो है हमारा नॉर्मल जो है ये हमारे को मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. नॉर्मल जो है वो मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. और इस नॉर्मल से जो हमारा इंसिडेंट रे का एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. यह है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे कि आई से डिनोट करते हैं. और इसी नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं. और ये आई और आर जो है वो इक्वल होता है. क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे. द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. वह रे जो कि मिरर पर फॉल हो रहा है, गिर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं. एंड द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और जिस पॉइंट पर यह रे जाकर गिरती है, फॉल्स करती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. और उस पॉइंट से फिर आपका एक रे बैक करती है, मूव करती है बैक साइड उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आई, तो उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे. उसी मीडियम में फिर आपको ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई. तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. द नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और यह जो नॉर्मल होता है, यह नॉर्मल आपका इस मिरर सरफेस से 90 डिग्री का एंगल्स बनाता है. दिस एंगल इज 90 डिग्री फॉर नॉर्मल. एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंट रे का, उसे ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे कि आई से डिनोट किया जा रहा है. द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो यह हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, वह रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसे डिनोट करते हैं आर से. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संबंध में, संदर्भ में दो नियम दिए गए हैं, टू लॉज हैं, फॉलोड बाय द बोथ प्लेन मिरर एंड कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. ये सभी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, प्लेन मिरर के द्वारा भी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा भी ये टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे. फर्स्ट हमारा हो गया इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, और तीसरा हमारा है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों का तीनों एक ही प्लेन पर है ना। तीनों का तीनों किस प्लेन पर है, प्लेन मिरर पर, प्लेन मिरर पर तीनों का तीनों है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई है, ये हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपको याद रखने हैं। नॉर्मल रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यदि कोई रे किसी मिरर पर पड़े और वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ पर फिर लौट करके चला आए आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो दैट मीन्स दैट रे इज, दैट इंसिडेंट रे इज नॉर्मल। वह इंसिडेंट रे नॉर्मल है यदि हमारा वहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का दोनों एक ही लाइन से पास कर जा रहे हैं, यानी वो जाकर के जिस लाइन से फॉल किए प्लेन मिरर पर उसी लाइन पर लौट के चले आए, तो दैट इज आवर नॉर्मल रे। बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच ए रे ऑफ लाइट आर जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो नॉर्मल लाइन होते हैं ठीक है ना, उसी के साथ हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है ना। यदि दोनों का दोनों हमारा जीरो हो ठीक है, तो हमारे को वह रे जो है वो क्या है, नॉर्मल है। वो लाइट का रे आपको पड़ेगा, फॉल करेगा और फिर आपको इसी लाइन पर ये लौट करके चला जाएगा ठीक है। और इसकी एंगल जो प्लेन मिरर के साथ होगी वो होती है 90 डिग्री ठीक है। और इस नॉर्मल रे जो हमारा इंसिडेंट कर रहा, इसकी एंगल जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे।